दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत को 40 रनों से हराया। 196 रनों के जवाब में 20 ओवर में 156 रन ही बना सकी टीम इंडिया। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो, जिन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। कोलिन मुनरो ने 58 गेंद में शानदार 109 रनों की पारी खेली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हुई। सीरीज का आखिरी मुकाबला 7 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। कप्तान विराट कोहली का जन्मदिन आज। 29 साल के हुए विराट। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में केक काटकर मनाया गया जन्मदिन का जश्न। एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में भारत की चीन से टक्कर आज। 8 साल बाद चीन से बदला लेने का मौका। दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां आज। ऊना, पालमपुर और कुल्लू में जनसभा को संबोधित करेंगे मोदी। 9 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को खत्म होगा प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 6 दिवसीय गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज। अलग अलग जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भोपाल में शंखनाद रैली आज। अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का शुरुआती अभियान। बीजेपी ने यूपी में होने वाले निकाय चुनाव के लिए 5 नगर निगमों के लिए मेयर पद के प्रत्याशियों का ऐलान किया। गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, मेरठ और आगरा से उम्मीदवार घोषित किए। यूपी के कानपुर में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा। नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट बेचने का आरोप। लखनऊ के हमीरपुर में बीजेपी से चेयरमैन पद का टिकट नहीं मिलने पर गणेश प्रसाद सोनी ने मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं 5 छात्र। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल की फिल्म पद्मावती पर बैन की मांग। कहा, फिल्म को लेकर जो भी विवाद है जब तक वो ना सुलझे फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बदले सुर। कार्यकर्ताओं से कहा, हिंसा से नहीं कानूनी रास्ते से आंदोलन करेगी एमएनएस। फेरी वालों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बिहार के शौचालय घोटाले को लेकर लालू यादव का नीतीश सरकार पर वार। ट्वीट करके कहा, मुझे कहते हैं चारा खा गए, अब नीतीश क्या खा गए। मध्य प्रदेश के दमोह में 70 रुपए की चोरी के आरोप में दलित छात्रा के कपड़े उतरवाए। तांत्रिक को बुलाकर छात्रों को डराने की कोशिश। जोधपुर में हिंदू लड़की पायल सिंघवी के कथित धर्म परिवर्तन के बाद निकाह के खिलाफ एकजुट हुए हिंदू संगठन। लव जिहाद संघर्ष समिति का गठन किया। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने देश भर में निवेश के नाम पर चल रही फर्जी कंपनियों का खुलासा किया। निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में मोटरसाइकिल सवारों को शराब से लदे ट्रक ने कुचला। महिला की मौके पर मौत, 2 जख्मी। दर्द से करहाते लोगों को बचाने की बजाय लोग शराब की बोतलें चोरी करने में लगे रहे। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के पास प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर से कार छीनकर भाग रहे बदमाशों में से एक की कार हादसे में मौत, दूसरा जख्मी हालत में फरार। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में सुअर के हमले में जख्मी 18 दिन की बच्ची की इलाज के दौरान मौत, सुअर मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में 20,000 का इनामी शार्प शूटर वसीम मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। एक साथी फरार, मुठभेड़ में दारोगा जख्मी। यूपी के बिजनौर में 4.5 साल की बच्ची से रेप, बच्ची की हालत नाजुक, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में शौचालय को लेकर 2 समुदाय के बीच मारपीट के बाद चली गोली, एक की मौत, 10 लोग जख्मी। बिहार के बेगूसराय में गंगा घाट पर स्नान के दौरान अफवाह के बाद मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। मृतकों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर जारी, अब तक 12 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी में कम दबाव होना बताया। 31 अक्टूबर से बंद हैं स्कूल और कॉलेज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर खुली पाकिस्तान की पोल। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन, दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपिया में पुलिस कैंप पर आतंकी हमला, 2 जख्मी, आतंकियों की तलाश कर रही है पुलिस। वर्ल्ड बैंक ने फिर की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ। कहा, जीएसटी और नोटबंदी जैसे कड़े आर्थिक कदमों से 2047 तक सबसे ज्यादा मध्य आय वाला देश होगा भारत।
अब राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों के लेट होने पर मिलेगी यात्रियों के SMS से जानकारी। चरणबद्ध तरीकों से दूसरी ट्रेनों के लिए भी शुरू की जाएगी ऐसी ही सेवा। UGC नेट की परीक्षा आज 91 शहरों में दी जाएगी परीक्षा। सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे खत्म होगी परीक्षा। चंडीगढ़ में राजीव कुमार नाम के शख्स ने बनाई भारत की सबसे ऊंची साइकिल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा के एयरफोर्स स्टेशन में 24 मिनट लंबे मेगा एयर शो का आयोजन, युवाओं में एयरफोर्स ज्वाइन करने का जज्बा जगाने के लिए किया गया आयोजन। हथियारों के साथ देखा जाने वाला सनकी तानाशाह, ट्रक बनाने वाली कंपनी का मुआयना करता दिखा, नई तस्वीरों से दुनिया भर में किम की छवि सुधारने की कोशिश। सीरियाई सेना ने ISIS के खिलाफ लड़ाई का वीडियो किया जारी, पूर्वी सीरिया के कुछ इलाकों में अब भी बगदादी के आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। बाहुबली फिल्म पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में बना बाहुबली का सेट शूटिंग के बाद भी वहीं मौजूद है, जिसे पर्यटकों के देखने के लिए खोल दिया गया। फिल्म का सेट बनने में करीब 60 करोड़ रुपए का खर्च आया। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 के फिल्म के सेट से सुपरस्टार रजनीकांत की एक फोटो सामने आई है। इस फोटो में रजनीकांत रोबोट चिट्टी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अगले साल रिलीज होगी फिल्म। ये है ABP News, आपको रखे आगे।